हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिआं नूं। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है अज दी क्लास। अज आपां पढ़न जा रहे हां पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दे विच 12वीं क्लास दी इंग्लिश दी बुक ते उहदे पोएम सैक्शन विचों पहली पोएम प्रेयर ऑफ द वर्ड्स। ए दे जिहड़े पोएट हैगे ने उह सानूं पता नहीं, आपां कह सकदे हां एनोनिमस पोएट हैगे ने। ते अज डिस्कस करांगे इस पोएम दे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तां चलो शुरू करदे हां। पहला क्वेश्चन हैगे गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। कविता दा जिहड़ा विचार हैगे, मूलधारा हैगी, वह की हैगी। द मेन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट ट्रीज आर आस्किंग फॉर आर हेल्प। वी रुख जड़े ने साड़ी मदद मांग रहे हैं। वी नीड टू स्टॉप कटिंग ट्रीज अदरवाइज दे विल डिसअपीयर वन डे। वी सानू पेड़ कटने बंद करने पैणगे, नहीं तो एक दिन वह अलोप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगे रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक स्टेंजा दिता हुआ इनू आप पढ़ के सवालों के जवाब देने ने, ते मैं थानू दस दिनी है की लिखे है। आई एम द हीट ऑफ योर हार्ट ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स, द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन, एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ब्रॉथ्स क्वेंचिंग योर थर्स्ट एज योर जर्नी ऑन। तो इस स्टेंजा विचों जिहड़ा क्वेश्चन पूछा गया वह ये हैगा, हाउ कैन द वुड्स यानी ट्रीज गिव अस हीट एज वेल एज कोल्डनैस। भी ठंड तो गर्मी दोनों रुख सानू किवें दे सकते हैं। द वुड्स प्रोवाइड अस हीट एंड कोल्डनैस बोथ। अंडर ब्राइट सन द ट्रीज प्रोवाइड अस शेड, जब धुप होंगी है तो छां प्रोवाइड करते हैं। ऑन कोल्ड विंटर्स द वुड्स प्रोवाइड अस हीट वैन वी बर्न दैम, तो सर्दियों के लकड़ बाल के इन्हों तो गर्मी मिलती है। अगे नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। ए जे तुसी देखो केड़ा लिटरेरी डिवाइस हैगा, फिगर ऑफ स्पीच केड़ा हैगा, ए वर्ड यूज किया गया फ्रेंडली शेड। देखो शेड फ्रेंडली नहीं हुंदा, इंसान फ्रेंडली हुंदा, ठीक है। इस करके आप कह सकते हैं ए परसोनिफिकेशन यूज किया गया, परसन भी दे जड़े ह्यूमन बीइंग दे ट्रेट हैगे ने शेड नू दिते गए ने। वही स स स की आवाज़ आ रही है, तो आप कह सकते कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग दे विच आ रही है, उन्हों आप एलिट्रेशन कहते हैं। तो दो लिटरेरी डिवाइसिज है ने, परसोनिफिकेशन ते एलिट्रेशन। अगे हैगा लिस्ट द थिंग्स द वुड्स गिव अस, पेड़ रुख सानू की चीज़ा देंदे ने। द वुड्स गिव अस मैनी थिंग्स, की देंदे ने, फायर फॉर कुकिंग अग खाना पकाउण दे लई लकड़ जिहड़ी लगदी है उत्थों, हीट फॉर आर बॉडी साडे शरीर नू गर्मी प्रोवाइड करते हैं जब इन्हों की लक्कड़ बालते हैं, शेड इन सनी डेज धुप्पा में शेड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर मेड ऑफ वुड्स यानी घर बनाते हैं आप इन्हों की लक्कड़ तो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देंगे ने, तो नसैसरी रिसोर्सिज फ्रॉम नेचर, कुदरत के जोड़े इंपोर्टेंट रिसोर्सिज है वह भी सानू ट्रीज तो मिलते हैं। अगे वॉट डज द लाइन रिफ्रैशिंग ड्रैफ्ट्स रेफर टू, ए रिफ्रैशिंग ड्रैफ्ट केड़ी चीज़ को रेफर करते हैं, जूसी बाइट्स ऑफ द फ्रूट्स, जेडे फ्रूट्स तो सानू पानी की प्यास बुझाई जाती है उन्होंने रेफर करते हैं। अगे हैगा रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इतने भी सानू लाइन्स पढ़ के इन्हों जे जवाब है वो आप देने ने, तो पहला आप लाइन्स पढ़ लें की कहा गया ये। I am the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle, and the shell of your coffin. I am the bread of kindness and the flower of beauty. Ye who pass by, listen to my prayer. Harm me not. Ye da matlab ithe poem de vich hai you. Te ithe puchya gaya, write down the line in the poem that explains the statement. Oh line dasni hai jo statement explain kardi hai. The wood accompanies us from birth till death is given below. ki jad aapa paida hunde ho te jad saadi maut hundi hai lakkad saade use de vich aandi hai kive pata chalda hai eh wali line hai ki hai cradle oh hunda hai jide vich bacche nu paya janda hai coffin oh hunda hai jad banda mar janda hai ode vich paya janda hai te aapa eh keh sakde hai cradle to leke coffin tak da jehda safar hai oh aapa lakkad vartde hi hege hai ode vich। अगे सवाल हैगा आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड फ्लावर ऑफ ब्यूटी, दिस मीनस द वुड्स गिव अस, जब कहा गया भी मैं काइंडनेस की ब्रेड हैगी हाँ तो फ्लावर ऑफ ब्यूटी हैगी, कहा गया भी वह काइंड फीलिंग जी लवलीनैस मिलती है वह सानू रुखा तो मिलती है, ये मतलब हैगा। अगे हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, कौन गल कर रहा है पोएम के, द स्पीकर इन द पोएम इज आप कह सकते हैं ट्रीज। What is the prayer of the woods to human beings?
ਜਿਹੜੀ ਵੁਡਸ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦ ਵੁਡਸ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹਾਰਮ ਇਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਕੱਟ ਦੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ ਬਾਏ